Hello friends, good evening, namaskar, welcome back to my channel techtipnow. Friends, today we are going to discuss about friend function in C++. Matlab aaj jo hum baat karne ja rahe hain wo baat karenge hum actually kiske bare mein. You can see on your screen, that is friend function in C++. Friend function in C++ mein jo bhi topics aaj hum baat karne ja rahe hain, main jo baatein aaj cover karne ja raha hu hamare is session mein, usme sabse pehle hum dekhenge what is friend function in C++. फ्रेंड फंक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, दैट इज व्हाई फ्रेंड फंक्शन इन C++, वर्किंग ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन C++, एक्चुअली इट शुड बी फ्रेंड फंक्शन. सो वी विल सी द बेसिक सिंटैक्स, हाउ कैन वी वर्क विद फ्रेंड फंक्शन, उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल ऑफ फ्रेंड फंक्शन. देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेंड्स एज ए ब्रिज, मतलब कि जब मल्टीपल क्लासेस की हम बात करते हैं तो वहां पे एज ए ब्रिज हम फ्रेंड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो हम बात करेंगे, प्लस फ्रेंड फंक्शन का मल्टीपल क्लासेस का एक एग्जांपल देखेंगे. साथ ही साथ फाइनली हम बात करेंगे कि जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ता है. तो दोस्तों, ओवरऑल ये जितने भी पॉइंट्स आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं. तो इससे पहले कि मैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में डिटेल में बात करना शुरू करूं, इससे पहले ऑलरेडी हमने जो है इसके प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ था फ्रेंड क्लास के बारे में. तो प्रीवियसली हमने बात की थी फ्रेंड कीवर्ड के बारे में एक्चुअली. तो यू नो वेरी वेल कि फ्रेंड कीवर्ड इज बेसिकली यूज फॉर मेकिंग टू थिंग्स, आइदर यू कैन मेक फ्रेंड क्लास और यू कैन से फ्रेंड फंक्शन. तो आज जो है हम बात कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन की, लेकिन इसके प्रीवियस सेशन में हमने फ्रेंड क्लास के बारे में बात की थी और वहां पर मैंने डिटेल में आपको बताया था कि फ्रेंड कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है. तो आज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन के बारे में डील कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देना चाहता हूं क्या फ्रेंड कीवर्ड के बारे में. तो यदि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जो फ्रेंड क्लास के बारे में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको जो है उसका लिंक दिख रहा होगा, आप चाहें तो उसको क्लिक करके फ्रेंड क्लास का और पर्टिकुलर इस सेशन के बारे में, फ्रेंड फंक्शन के पहले का जो सेशन जो बात कर रहे हैं उसको डिटेल में आप देख सकते हैं. बट मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू कर देता हूं इससे पहले कि मैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में डील करूं. तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में इसके प्रीवियस सेशन में जैसा मैं अभी बोल रहा हूं आपको कि फ्रेंड कीवर्ड इज बेसिकली यूज फॉर मेकिंग टू थिंग्स, व्हेन एज यू कैन से फ्रेंड क्लास एंड व्हाट योर फ्रेंड फंक्शन. प्रीवियसली वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट फ्रेंड क्लास, तो उसमें हमने बताया था कि जब फ्रेंड जो कीवर्ड होता है ना, बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं. तो यू नो वेरी वेल कि जो भी क्लास होती है, मैं रिव्यू कर रहा हूं आपको, डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम इसको प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि जो फ्रेंड कीवर्ड होता है ना, ये इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि जो भी क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, आइदर वी कैन रीड और राइट विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कैन से नॉन मेंबर फंक्शंस. और वो उनको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनको फ्रेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है. इस टेक्निक को यूज करने से क्या होता है, एक तो हमारा डेटा का जो सिक्योरिटी का वॉल है वो भी मैनेज होता है, एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं. इसको मैंने बताया था आपको. और जब हम फ्रेंड क्लास का यूज करते हैं तो हमने बताया था कि जो भी क्लास होती है उसके जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या है, आउटसाइड ऑफ द क्लास डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मीन्स नॉन मेंबर्स के थ्रू हम यूज नहीं कर सकते. तो उसको अगर यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्रेंड कीवर्ड जब आप किसी नॉन मेंबर क्लास को किसी क्लास में बना देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन, यू कैन से एक्सेस और यू कैन से मैनेज दोस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट क्लास. तो ये मैंने आपको बताया था, प्लस इसमें फ्रेंड क्लास का हमने एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, और जब हम वर्किंग की बात करते हैं किसी भी फ्रेंड कीवर्ड के साथ, तो ऑब्वियसली किसी भी नॉन मेंबर फंक्शन हो या क्लास हो, अगर उसको आपको फ्रेंड बनाना है तो उसके लिए हम उसके सामने क्या करते हैं, प्रीफिक्स कर देते हैं फ्रेंड. दोस्तों अभी फ्रेंड फंक्शन के बारे में अभी डील करूंगा तो मैं आपको डिटेल में इसको फिर से बताने वाला हूं. तो जस्ट मैं एक रिवाइव कर दे रहा हूं जो प्रीवियस सेक्शन में हमने किया था. तो अब ये जो है कि जब आप किसी भी क्लास को या फंक्शन को फ्रेंड बना देते हो ना, तो उसके सामने हम फ्रेंड कीवर्ड बनाते हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि किसी भी क्लास के अंदर जब किसी भी फंक्शन या क्लास को आप फ्रेंड बनाते हैं तो वहां पे हम उसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमेशा आउटसाइड ऑफ दैट क्लास होती है. ठीक है, ये पॉइंट हमने डील किया हुआ था. दोस्तों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने फ्रेंड क्लास, इसके जो आज का जो सेशन है, इसके पहले का जो सेशन मैंने फ्रेंड क्लास के बारे में बताया, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं. तो उसको क्लिक करके आप डिटेल में ये जो अभी मैंने रिव्यू किया है उसको पूरा देख सकते हो आप. ठीक है, सो आज जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में. तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट की, व्हाट इज योर फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली. सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन दैट्स ग्रांटेड एक्सेस टू क्लास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स.
तो एक सिंपल सी बात, सीधी सीधी बात यह है, आप सीधे सीधे ये समझ लो कि आउटसाइड ऑफ द क्लास जो भी फंक्शन होता है, जो भी क्लास होती है, अगर उसके थ्रू किसी भी क्लास के अंदर के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज करना है, तो वो जो भी फंक्शन या आपकी क्लास होती है आउटसाइड ऑफ द बेस क्लास, तो उनको हमको क्या बनाना पड़ता है, फ्रेंड बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड फंक्शन का सीधे सीधे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कोई भी क्लास है उसके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को क्या करना, इस्तेमाल करना। और फ्रेंड क्लास, अच्छा फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू तो हम क्या कर सकते हैं, मेंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेंड क्लास होती है उसमें क्या होता है, इज ए क्लास हुज मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस अनदर क्लास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो फ्रेंड क्लास में सीधे सीधे ये होता है कि जो भी हम क्लास को अगर पूरा फ्रेंड बना देंगे तो उसके अंदर के जो फंक्शन होते हैं वो सीधे सीधे किसी भी उसके फ्रेंड क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसके, आपके फ्रेंड फंक्शन की। तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में अगर हम बात करना चाहें, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास में आपने से फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक प्राइवेट मेंबर लिया हुआ है क्या, इंट एक्स, राइट, और इसको ऑपरेट करने के लिए आपने क्या किया, यहां पे आपने बना दिया एक फंक्शन डिस्प्ले, ओके। अब ये जो एक्स है इसको ऑपरेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे सिर्फ यहां से इस डिस्प्ले के थ्रू आप इस एक्स को क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी तो और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इस एक्स को चाहता हूं कि इसके बाहर अगर इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूंगा कि एक कोई जैसे मान लो एक फंक्शन मैं रेडी कर लेता हूं, यहां पे मैंने यहां पे दिया ऑपरेट, मैंने क्या ले लिया यहां पे ऑपरेट फंक्शन, राइट। अब अगर इस ऑपरेट के थ्रू मुझे इस एक्स को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा कि ये डायरेक्ट तो मैं इस्तेमाल कर नहीं सकता इस एक्स को, सो व्हाट विल आई डू, मैं इस ऑपरेट को क्या करूंगा, सीधे सीधे यहां पे क्या कर दूंगा, इसको फ्रेंड बना दूंगा। किसका बना दूंगा, फ्रेंड ऑफ, या सीधे सीधे मैं इसको ये बोलना चाहिए क्या रेडी कर दूंगा, इसको फ्रेंड कर दूंगा। किसका फ्रेंड कर दूंगा, इस पर्टिकुलर क्लास का, राइट। तो जब मैं इस ऑपरेट को इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर इसका फ्रेंड बना दूंगा, तो अगर ये फ्रेंड बन जाएगा सो दैट मैं क्या कर पाऊंगा, इसके थ्रू इस एक्स को क्या कर सकूंगा, ऑपरेट कर पाऊंगा, राइट। ये हुई एक बात। दूसरा मान लो कि एक और आपने कोई क्लास ले ली, राइट। अब इस क्लास के अंदर भी आपने क्या किया कि यहां पर एक मेंबर ले लिया इंट वाई, और इसमें भी आपने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया क्या, डिस्प, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि अब ये जो दोनों क्लास है इसमें ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इस वाई को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस डिस्प्ले के थ्रू मैं इस एक्स को इस्तेमाल कर सकूं, या फिर इस डिस्प्ले के थ्रू मैं इसके क्लास के वाई के इस्तेमाल कर सकूं, तो ये अभी एट प्रेजेंट क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं कि अगर ये जो डिस्प्ले, मतलब किसी भी क्लास के मेंबर को अगर मैं इनडायरेक्टली यूज करना चाहता हूं, प्राइवेट मेंबर्स की बात कर रहे हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर की, तो मैं क्या करूंगा, इस डिस्प्ले को क्या कर दूंगा कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां से मैं क्या कर दूंगा, यहां पे इस फ्रेंड को, इन दोनों को फ्रेंड बना दूंगा। मतलब ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इस क्लास में मैं जाके बोलूंगा कि भैया आप क्या हो गए, इसके फ्रेंड हो गए, ठीक है। तो अब जब मैं इस डिस्प्ले को क्या कर दूंगा, इस पर्टिकुलर क्लास का फ्रेंड रेडी कर दूंगा, तब मैं क्या कर सकता हूं, और यहां पर भी इस डिस्प्ले को मैं क्या कर दूंगा, यहां से इसको भी हम क्या कर देंगे, यहां फ्रेंड कर देंगे, राइट। तो अब क्या होगा कि जब हमने इसको फ्रेंड बना दिया और इसकी हमने इसको डिफाइन कर दिया आउटसाइड ऑफ द क्लास, सो दैट उसके बाद में मैं क्या कर पाऊंगा कि इस एक्स को इस डिस्प्ले के थ्रू मैनेज कर सकता हूं या इस वाई को इस डिस्प्ले के थ्रू मैनेज कर सकता हूं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप कोई भी डिस्प्ले, किसी भी फंक्शन को जब आप फ्रेंड फंक्शन बनाते हो किसी पर्टिकुलर क्लास के, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको परमिशन मिल गई कि आप उसके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। सो यही ओवरऑल एक स्टोरी होती है आपके फ्रेंड फंक्शन की। और जब हम बात करते हैं सिंटेक्स की या फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल करने की, तो सीधे सीधे ये रहता है कि मैं, जैसे आपने कोई भी क्लास ली, इस क्लास का नाम आपने दिया सैंपल, अब इसमें क्या है, आप क्या लोगे, प्राइवेट मेंबर ले सकते हो, ठीक है, और साथ में आपका यहां पे क्या होगा, पब्लिक मेंबर भी हो सकता है, राइट।
तो ये सपोज एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अब मैं अगर कोई यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं, से फॉर एग्जांपल void exp, ठीक है। अब ये जो exp फंक्शन है, इसकी बॉडी ले लो आप, ठीक है, जो भी हो इसके अंदर। अब इस exp के थ्रू मैं जो है इसके जो भी प्राइवेट मेंबर्स होंगे उनको अगर यूज करना चाहता हूं ना, तो मैं इस void exp को क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर क्लास में जाके बोलूंगा कि आप इसके क्या बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ, राइट। यहां पे आप स्मॉल कैप्स का ध्यान मत देना, क्योंकि अभी ये क्या है, हम कोड में वर्जन में नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। तो जब मैं इस exp को इस पर्टिकुलर क्लास का फ्रेंड बना दूंगा, दैट मीन्स अब मैं क्या कर सकता हूं, इस प्राइवेट मेंबर को यहां से यूज कर सकता हूं। तो ओवरऑल जो बेसिक सिंटैक्स होता है ना, कि जिस भी नॉन मेंबर फंक्शन को आपको यूज करना है या उसके थ्रू आप किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर या प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको क्या करना होगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि मैंने नीचे लिखा है तो आपने नीचे लिखना है या प्राइवेट सेक्शन में या पब्लिक सेक्शन में लिखना है, यू आर टोटली फ्री। आप इस पर्टिकुलर फ्रेंड फंक्शन को कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। आप चाहो तो उठा के इसको क्या कर दो, यहां से उठा के आपने बोला कि भाई यहां बना दो इसका फ्रेंड फंक्शन, राइट। सो आप कहीं पे भी इसको बना सकते हो, ठीक है। बट जब एक बार आपने किसी को फंक्शन को फ्रेंड बना दिया, इसके मतलब आप एलिजिबल हो गए क्या उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की, राइट। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स होता है किसी भी क्लास, किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाने का। तो ये तो मैंने एक बेसिक सिंटैक्स बनाया, तो आइए जल्दी से हम क्या करते हैं, इसका एक कोड देख लेते हैं, सैंपल मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल के थ्रू अब आप इसको रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं, एक मैं यहां से जल्दी से इस फाइल को क्या करता हूं, सेव कर लेता हूं, ठीक है, सैंपल .exe cpp, राइट। मैंने यहां पे बोला हैश इंक्लूड, मैंने बोला आईओ स्ट्रीम, देन मैंने बोला यूजिंग नेम स्पेस, ओके, और इसका मैंने बोल दिया एसटीडी, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लास रेडी करता हूं, इस क्लास का नाम मैं दे देता हूं सपोज सैंपल, राइट। इस क्लास के अंदर मैंने एक प्राइवेट मेंबर यूज किया इंटेक्स, और मैं पब्लिकली अगर इसको यूज करना चाहता हूं, सो दैट मैंने यहां पे लिया void सपोज acp दैट इज फॉर एक्सेप्ट, या आप इसको क्या कर दो, गेट कर दो। अब मैं इस क्लास के अंदर जाता हूं और सी आउट कहता हूं कि आप क्या करो, एंटर एक्स, राइट, और मैंने इसको जल्दी से कर दिया क्या, सीन एक्स। सो अब ये मेरी गेट फंक्शन, एक फंक्शन बन गया गेट, जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने void main लिया, ठीक है, इसके अंदर जाके void की जगह इसको int कर दो आप, ठीक है। int main लेने के बाद में मैंने बोला कि इस sample का आप object ले लो s, और आप क्या चाहते हो, अगर आप अभी अगर इस x को use करना है तो हम क्या करेंगे, इस get के through ही इसको कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं करता हूं, क्या करता हूं कि s dot get कर दूंगा, सो दैट मीन्स वॉट, कि अब मैं क्या करता हूं कि इसको कंपाइल करता हूं, ठीक है, यहां से लॉग ऑन कर लो आप, ठीक है, ये जीरो एरर शो कर रहा है। नाउ इफ यू रन दिस इट विल शो यू एंटर एक्स, तो मैं ये बाहर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी मैंने एक्स है, ये प्राइवेट मेंबर है, आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर इसको मैं डायरेक्टली यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे एक फंक्शन रेडी कर रहा हूं, void डिस्प्ले। अब ये जो डिस्प्ले है, मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पे सी आउट करूं, तो मैं x की वैल्यू को क्या कर सकूं, यहां से इस्तेमाल कर सकूं। अब ये तो मैंने एकदम नॉर्मल फंक्शन बनाया। अब आप ध्यान ये दो कि अगर मैं इस डिस्प्ले के थ्रू इस x को यूज करना चाहता हूं, तो इसका मतलब इस डिस्प्ले को मुझे इस क्लास सैंपल का क्या बनाना पड़ेगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जाके बोलता हूं कि भैया आप क्या करो, इस क्लास को फ्रेंड void डिस्प कर दो, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और एक बात अब पॉइंट ध्यान रखो, void फ्रेंड बनाना पड़ेगा, ये तो हो गया। जब भी आप क्लास के अंदर फ्रेंड इसको बना डिफाइन कर रहे हो, तो सिर्फ आप यहां पे इसका प्रोटोटाइप लोगे, यहां पे सिर्फ आप डिक्लेयर करोगे इसको, इसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो हमेशा इस पर्टिकुलर क्लास के बाहर आएगी, जिस क्लास का आपने इसको क्या बनाया, फ्रेंड बनाया। रिमेंबर दिस ऑलवेज, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, डिफाइन आप बाहर करोगे, सिर्फ यहां पे डिक्लेयर करोगे, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, केवल इतना करने से मेरा काम सफिशियंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो x है, ये किसका मेन
मेंबर है इस क्लास सैंपल का. तो अगर मैं इस एक्स को इस डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे ये सैंपल का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हमको लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एक्स को नहीं ले पाऊंगा. तो कहने का मतलब यह है कि मुझे यहां पे बोलना पड़ेगा कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये एक ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा जिसके थ्रू मैं इसको यूज कर पाऊंगा. सो अब मैंने यहां पे सैंपल दे दिया इस क्लास का नाम, मतलब ये ऑब्जेक्ट लेगा. तो मैंने बोला भाई आप क्या करो सैंपल का एस ले लो यहां पे. अब आप जब भी एक्स को यूज करना है तो वी विल राइट एस डॉट एक्स, राइट. अब मैंने क्या किया यहां पे सैंपल का ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूं ओबीजे. मैंने एस हटा दिया, आप रख भी सकते हो नाम, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ओबीजे लिया. तो अब मैंने बोला कि आप क्या करो ओबीजे डॉट, कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया मैंने इसका, गेट फंक्शन. ये हो गई बात. अब मैंने गेट किया तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा. अब मैं डिस्प्ले के थ्रू इसको डिस्प्ले करना चाहता हूं तो मैं यहां पे बिना ऑब्जेक्ट के, ये जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया ना ये एक नॉर्मल फंक्शन है, तो जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो भी मैं इसको नॉर्मली ही क्या करूंगा, कॉल करूंगा. बट दिस टाइम आई विल पास ओनली दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, राइट. तो अब क्या हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया वर्क. तो आपने क्या देखा कि आपका ये नॉर्मल फंक्शन है, इसको मैंने फ्रेंड बनाया इस पर्टिकुलर क्लास का क्योंकि मैं इसको यूज करना चाहता हूं. और जब मैं इस क्लास का इसको बनाऊंगा क्या फ्रेंड फंक्शन, तो मुझे इसका मेंबर इस्तेमाल करना है तो मैं इसके ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर पाऊंगा. सो मैं इस फ्रेंड फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा किसका, इस पर्टिकुलर क्लास का. सो अब मैंने जब डिफाइन किया तो यहां पे आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर के थ्रू मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया. और सिमिलरली मैंने जब मेन लिया तो यहां पर क्या किया, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी फंक्शन इनपुट का मैंने बनाया है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल तो मैंने कॉल किया, देन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया डिस्प्ले में, राइट. तो अब ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया. अब मैं क्या करता हूं, इसको कंपाइल करता हूं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही है. नाउ आई कैन रन दिस प्रोग्राम. सो यू कैन सी एंटर एक्स, इट इज आस्किंग, मैंने डाला 12. नाउ यू कैन सी यहां पर डिस्प्ले कर रहा है क्या 12. So that means what, this is how we can, you can say access particular, you can say member, private member of a class with the help of a non-member function, right. So this is what your friend function. तो मैं समझ रहा हूं या मुझे लगता है कि आपको ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल करने का, राइट. तो सीधी सीधी बात, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको ध्यान में रखो और उसको यूज कर, उसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड फंक्शन को रेडी कर सकते हैं. तो ये बात हो गई कि किस तरह से हमारा फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, वर्क करता है. नेक्स्ट जो है, अब मैं जो पॉइंट आ जा रहा है वो है कि फ्रेंड्स एज ए ब्रिज. मतलब क्या है कि यहां पे बोल रहा है कि सपोज देयर इज अ सिचुएशन दैट रिक्वायर अ फंक्शन टू ऑपरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस. तो जैसे मैंने ये जो एग्जाम्पल दिया ना कि यहां पर आपके पास दो क्लासेस है, इसमें एक मेंबर एक्स है, यहां पर एक मेंबर क्या है वाई है. अब ये दोनों में एक फंक्शन डिस्प्ले है जो ये तो एक्स इसका थ्रू एक्स कॉल हो सकता है और ये जो वाई है इस डिस्प्ले के थ्रू कॉल होगा. लेकिन कॉमनली मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन बनाना जिसके थ्रू मैं चाहूं तो एक्स को कॉल करूं, मैं चाहूं तो वाई को कॉल करूं, राइट. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस क्लास मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करूंगा, फ्रेंड बना दूंगा, राइट. सो हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है ना वो एज ए ब्रिज भी काम करता है. तो आपका क्या हो रहा है, ये जो फ्रेंड फंक्शन डिस्प्ले है ये एज ए ब्रिज भी काम करेगा मल्टीपल क्लासेस के बीच में. तो वही चीज यहां पे बोल रहा है, देन वी विल डिक्लेयर द सेम फंक्शन एज ए फ्रेंड इन द बोथ द क्लासेस टेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द टू क्लासेस एज आर्ग्यूमेंट सो दैट द फंक्शन कैन ऑपरेट ऑन देयर प्राइवेट डेटा. यहां पे ये जो बोल रहा है टेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द टू क्लासेस, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया कि कोई भी फ्रेंड फंक्शन होगा तो अगर आपको इसका मेंबर यूज करना है तो बिना ऑब्जेक्ट के तो पॉसिबल नहीं. तो अगर आप मल्टीपल क्लासेस बनाओगे तो ऑब्वियसली वो सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा इस फंक्शन में. तब जाके आप क्या कर पाओगे, उस फ्रेंड फंक्शन को एज ए ब्रिज आप यूज कर पाओगे मल्टीपल क्लासेस के बीच में. तो अब ये जो पॉइंट यहां पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है ना, तो आइए इसको जल्दी से मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं, उस एग्जांपल से फिर हम देखते हैं, राइट. तो मैं यहीं पर इसको पूरा अब हटा देता हूं और हटाने के बाद में मैंने एक क्लास बना दी. सपोज मैंने बनाई माई डेमो या डेमो कर लो, ठीक है. अब ये डेमो के अंदर में जाके मैंने बोला इंट एक्स और मैंने इसमें एक पब्लिक फंक्शन दे दिया एक्सेप्ट करने के लिए, आई एम जस्ट मेकिंग दिस. तो मैंने बोला void से फॉर एग्जाम्पल गेट और इसके अंदर जाके मैंने बोला सी आउट एंटर एक्स, राइट.
और मैंने स्पेस यहीं पे कर दिया सीन व्हाट योर एक्स, ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरी एक क्लास बन गई डेमो, और दूसरी एक क्लास बना देता हूं मैं जिसका नाम मैं दे देता हूं से फॉर एग्जांपल माई डेमो, राइट। और इस माई डेमो के अंदर भी जाके मैंने बोला इंट वाई, और अब मैंने बोला कि पब्लिक फंक्शन रेडी कर दो आप जल्दी से, तो मैंने यहां पर भी इसका एक गेट फंक्शन रेडी कर दिया, ओके। और दोनों ये क्लासेस इंडिपेंडेंट है, राइट। सो मैंने बोला सी आउट एंटर व्हाट वाई, नाउ मैंने इसको इनपुट कर दिया किसमें, आपके वाई में। सो नाउ ये मेरी दो क्लासेस रेडी हो गई। अब मैंने ले लिया वाइड मेन, ठीक है। इस मेन के अंदर में मैंने बोला भाई कि सबसे पहले तो आप रिटर्न कर दो व्हाट योर जीरो, और मैंने यहां पे बोला कि डेमो का ऑब्जेक्ट ले लो ओबी वन, राइट, और माई डेमो का ऑब्जेक्ट ले लो से फॉर एग्जाम्पल ओबी टू। नाउ ओ बी वन डॉट मैंने गेट फंक्शन को कॉल कर लिया इनपुट के लिए, और ओ बी टू डॉट मैंने गेट कर दिया किसके लिए, हमारे क्लास माई डेमो के फंक्शन को, मतलब वाई को इनपुट करने के लिए, राइट। मैं इसको जल्दी से सेव करता हूं और इसके बाद इसे कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। वन एरर इट इज शोइंग वेयर वाइड मेन बिकॉज इट इज नॉट इंट, दैट्स वाई। सो आई विल राइट इट इंट, सो नाउ सेव इट अगेन एंड नाउ कंपाइल इट, सो यू विल सी इट इज शोइंग सक्सेसफुल, मीन्स कि अब अगर आप रन कर रहे हो तो ये एंटर वैल्यू फॉर 12 23, सो इट इज रनिंग प्रॉपरली। अब बात आ रही है कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो एक्स है और ये जो वाई है, इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूं, ठीक है। जो मर्जी आप चाहो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसा आपको चाहना है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है दोनों को कंपेयर करके हम बता सके कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि दोनों में कॉमन फंक्शन, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये x को भी मैं यूज कर सकूं और y को भी यूज कर सकूं आउटसाइड ऑफ दिस क्लास, और ये दोनों क्या है, प्राइवेट मेंबर है। तो मैंने क्या किया यहां पर, अब सीधे एक फंक्शन रेडी कर दिया जिसका नाम मैंने दे दिया void compare, ओके। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई कंपेयर का मतलब, अब एक नॉर्मल पहले मैं रेडी कर लेता हूं, स्ट्रक्चर रेडी करता हूं इस कंपेयर का। मैंने बोला इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई व्हाट विल हैपन, सी आउट मैंने बोला एक्स इज व्हाट लार्जर, राइट, ये मैंने कर दिया। और अगर ये नहीं होता है सो व्हाट विल हैपन, मैंने बोला सी आउट, ठीक है, वाई इज व्हाट लार्जर, ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया है, यू कैन सी नाउ। अब इस x को अगर मुझे यूज करना है तो मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि इस क्लास को कंपेयर को मुझे फ्रेंड बनाना पड़ेगा, किसका, इस डेमो क्लास का। तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूं यहां पे, इस क्लास का डेमो, इसको क्या करता हूं, इसका फ्रेंड बना देता हूं। सो व्हाट विल आई डू, अब मैंने बोला फ्रेंड फ्रेंड कौन सी क्लास है मेरी, कंपेयर। सो मैंने बोला void compare, राइट। अभी मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। अब सिमिलरली अगर मैं y को यूज करना चाहता हूं तो माई डोमेन में भी इसको क्या करूंगा, फ्रेंड बनाऊंगा। सो व्हाट विल आई डू, फ्रेंड कंपेयर, सो इसको भी मैंने यहां पे कंप्लीट बना दिया। इसके सामने void लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये दोनों का प्रोटोटाइप लिख दिया, जैसे मैंने बोला कि क्लास के अंदर सिर्फ आप इसको डिक्लेयर करोगे, डिफाइन बाहर करोगे। अब इतना बोलने से क्या हुआ कि ये फ्रेंड तो बन गया, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस एक्स को यूज करना है तो डेमो का ऑब्जेक्ट के थ्रू लेना पड़ेगा। यहां पे भी इस माई डेमो के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं इसको क्या कर सकता हूं, वाई को ले सकता हूं। तो इसका मतलब इन दोनों का ऑब्जेक्ट मुझे यहां पे पास करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट विल आई डू, मैंने बोला डेमो, फिर मैंने बोला माई डेमो, राइट, ये मैंने यहां पर पास किया। यही चीज यहां पर भी होगी कि डेमो और फिर मैंने बोला माई डेमो। अब ये तो मैंने कर दिया, देखो अब मैं इसको अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, कंपाइल करूंगा, देखना ये एरर बताएगा, क्या एरर बताएगा अभी बता रहा हूं आपको। तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट पास हो गए। अब जब ये कंपेयर में मैं गया, मैंने बोला डेमो का डी ले लो और माई डेमो का क्या ले लो आप, एम ले लो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक्स जो हो गया वो किसका है, मेंबर डी का। तो आई विल राइट डी डॉट एक्स, यहां पर भी मैं बोलूंगा क्या, डी डॉट एक्स, और ये वाई जो है मेंबर है किसका, माई डेमो का, तो एम डॉट आई वाई कर दिया मैंने, और यहां पे बोल दिया एम डॉट वाई, राइट। अब जब मैं ये यहां पर इस कंपेयर को कॉल करूंगा, सो व्हाट विल आई डू, मैंने यहां पे कंपेयर में बोला ओबी वन को पास कर दो और क्या कर दो, ओबी टू को पास कर दो, राइट, सेव कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद आप क्या करो, अब इसको कंपाइल करो, देखते हैं क्या होता है।
ये क्या बोल रहा है कि my domain has not been declared, you can see here. अब मैंने डेमो बनाया, इस डेमो में यहां पे my demo को ले लिया, लेकिन my demo तो नीचे डिफाइन हुई है, तो कंपाइलर क्या बोल रहा है, इसको समझ नहीं पा रहा है कि ये डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ. तो मैं क्या करूंगा, इसका भी एक प्रोटोटाइप यहां पे ले लूंगा. तो मैंने बोला क्लास my demo, तो मैंने इसका प्रोटोटाइप लेके इसको छोड़ दिया. ठीक है, अब इसको सेव करके आप कंपाइल करो, देखते हैं अब क्या बोलता है. अभी भी ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन शुड बी इंट मेन, क्या बोल रहा है यहां पे कंपेयर, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, तो ये कर दिया मैंने कंपेयर. ठीक है, अब इसको आप क्या कर दो, सेव कर दो, फिर से अब कंपाइल करो, लेट सी व्हाट हैपेंस. आई थिंक ये कंपाइल हो गया, देखिए सक्सेसफुली. तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि वाया ऑब्जेक्ट ही आपको वर्कआउट करना. अब जब आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो ना सेकेंड क्लास का, तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, यहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा. इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस, राइट. फॉरवर्ड रेफरेंस का मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि जो भी फ्यूचर में क्लास यूज करूंगा, जैसे आप फंक्शन को यूज करते हो ना मेन फंक्शन के नीचे, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका प्रोटोटाइप लेना पड़ता है ऊपर. इसी तरह से जब ये क्लास जो फ्यूचर में आप यूज करने वाले हो, इसका भी प्रोटोटाइप या उसको सिंपली आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा वो टॉप में. तो ये एरर आ रहा था, इसलिए मैंने शुरू में आपको ये नहीं लिखा, ताकि हम एरर को देख सकें और समझ सके कि हमको क्यों लेना है, राइट. सो फ्रेंड यू कैन सी नाउ कि ये जो है मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया, अब इसके थ्रू मैं क्या कर पा रहा हूं, इस एक्स को भी इस्तेमाल कर पाऊंगा और इस वाई को भी थ्रू कर पाऊंगा. तो अब ये जो मेरा कंपेयर फंक्शन है ना, ये एज ए ब्रिज काम कर रहा है किसके लिए, हमारे इस क्लास माई डेमो के लिए भी और इस डेमो के लिए भी. तो दोनों के बीच ये लिंक बन गया एक, राइट. तो अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूं, रन करता हूं, एंटर वैल्यू फॉर एक्स 12, वैल्यू फॉर 23. सो यू कैन सी 23 इज लार्जर, नाउ माई प्रोग्राम इज रनिंग वेरी प्रॉपरली और सक्सेसफुली. तो इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. सो ये आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हमने यहां पे जो बात की फ्रेंड एज ए ब्रिज, वो यहां पे लागू होती है ये बात, राइट. तो ये समझ में आ गया. तो ये बोलने का मतलब ये है कि मल्टीपल क्लासेस के बीच में भी जब आप, ये जो मैंने पिछले इसमें यहां पे जो पॉइंट दिया ना कि फ्रेंड फंक्शन इन मल्टीपल क्लासेस, तो वो इस एग्जाम्पल से अब आप समझ सकते हो, राइट. अब हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल तो मैंने दिया पॉइंट्स टू रिमेम्बर अबाउट पॉइंट. तो कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप फ्रेंड फंक्शन बनाओगे. फंक्शन में भी डिक्लेयर फ्रेंड ऑफ मोर देन वन क्लास, तो आप देखो हमने जितनी मर्जी चाहे उतनी क्लासेस के आप क्या कर सकते हो, यहां पे फ्रेंड बना सकते हो. जैसे अभी हमने दो क्लासेस के लिए इसको बनाया. Similarly, it does not have a class इसको, so it can be invoked normally. तो अब आप देखो कि हम जो है यहां पे सिर्फ इस क्लास, जो हमारी ये फ्रेंड कंपेयर फंक्शन है, ये नॉन मेंबर फंक्शन है, मतलब ये एक नॉर्मल फंक्शन है, राइट. तो ये किसी क्लास में इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है. तो हम जब इसको यूज करेंगे ना, तो एकदम नॉर्मल फंक्शन की तरह ही यूज करते हैं, राइट. थर्ड जो इसका पॉइंट है, दैट इज सिंस इट इज नॉट मेंबर फंक्शन, कैन नॉट एक्सेस द मेंबर डायरेक्टली और हैज टू यूज ऑब्जेक्ट. तो अभी ऑलरेडी हमने प्रोग्राम के द्वारा बताया कि जब भी आप, अगर आपको इसको वाई को यूज करना है, तो क्लास का, ये किस क्लास का मेंबर है, माई डेमो. तो इसका मतलब आपको इस माई डेमो का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा एम, तो उस एम के थ्रू ही मैं इस वाई को क्या कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा. बिकॉज क्योंकि ये मेंबर नहीं है क्या किसी भी क्लास का, कौन, आपका ये फ्रेंड फंक्शन. इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द क्लास. तो ये भी मैंने पहले आपको बताया कि जो ये फ्रेंड फंक्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्या करोगे कि ये मैंने नीचे लिया तो नीचे ही लेना है. आप इसको उठा के कहीं पे भी डाल दो. मैंने इसको उठाया और यहां पे डाल दिया, राइट. अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, ठीक है, सेव करके देखते हैं क्या होता है. अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलिए देख लेते हैं. ये देखो एरर नहीं आ रहा. अब रन करके देख लो आप इसको. मैंने डाला 23 45, सो 45 इज लार्ज, मतलब ये सही है. तो कहीं ना कहीं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने फ्रेंड फंक्शन को कहां पे डिक्लेयर किया है. और लास्ट में फिर वही बात हो रही है कि जब भी आप कोई भी फ्रेंड फंक्शन लोगे ना, तो याद रखो कि हमेशा उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट वाला आर्ग्यूमेंट पास करोगे ही करोगे, जिस क्लास के लिए आपने क्या बनाया है, उसको फंक्शन बनाया, फ्रेंड फंक्शन बनाया, राइट. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी चीजें मैंने फ्रेंड फंक्शन के बारे में बताई हैं, आपको समझ में आ गया होगा. तो मैंने एक ही सेशन में आपको मल्टीपल क्लास में कैसे बनाना है फ्रेंड फंक्शन, या सिंगल क्लास में कैसे बनाना है, वो सारा कुछ बताया. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रेंड फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एज वेल एज एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं. तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं टॉपिक क्लोज करूं, प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट वी विल बी मोटिवेटेड, वी विल फील इनकरेज्ड. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.